माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें 8 अप्रैल के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो हम आज का डिस्कस करने वाले हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें ये वाला पढ़ना है, पॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। वन मिनट, यस। तो इसमें है डेवलपमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ बीन हैज़ गिवन RBI कॉज फॉर पॉज। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि RBI ऑफ इंडियाज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी NPC ने डिसाइड किया है कि टेम्परेरी पॉज करने के लिए इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनिटरी टाइटनिंग को, और क्या करके, रेपो रेट अनचेंज करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने क्या किया है, ये डिसीज़न लिया है पॉज करने के लिए, और ये बोला है कि फॉर दिस मीटिंग ओनली, ठीक है। परमानेंट नहीं किया गया है, टेम्परेरी किया गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें देखनी है। एज द RBI लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है, अपसाइड रिस्क ऑफ द इन्फ्लेशन आउटलुक। तो इसमें यहाँ क्या कहा जा रहा है, फैक्टर इंक्लूडिंग हायर ग्लोबल क्रूड एंड कमोडिटी प्राइस, एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन एंड इफेक्टिव मानसून रेन। तो मानसून मतलब रेन की वजह से, एक्सट्रीम वेदर की वजह से, और हाई ग्लोबल क्रूड, ठीक है, कमोडिटी प्राइस की वजह से ये डिसीज़न उनको लेना पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और कही जा रही है कि जो ये सिमिलरली आउटलुक फॉर फूड प्राइस टू इज बेस्ट अनसर्टेनिटी गिवन अनसीजनल जो रेन हुआ है, ठीक है। और ये जो किसकी वजह से हुआ है ये याद रखना है, अल नीनो की वजह से हुआ है, ठीक है, अल नीनो की वजह से हुआ है, विच कुड रेज समर टेम्परेचर एंड डिप्रेस मानसून रेनफॉल। और इसमें क्या कहा जा रहा है, एडिशनली RBI सीक मिल्क प्राइसेस स्टेइंग फ्रॉम ओवर द कमिंग मंथ्स एंड अमिड फोर्डर कॉस्ट प्रेशर। इन सब चीज़ों की वजह से भी एक चीज़ और कही जा रही है कि पॉलिसी मेकर मस्ट रिमेंबर, कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो ये बात याद रखें, एज द RBI चीफ, सो उन्होंने एक चीज़ कही कि प्राइस स्टेबिलिटी स्टिल रिमेन्स द बेस्ट गारंटी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। उन्होंने कहा कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो स्टिल क्या है, रिमेन द बेस्ट गारंटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि अगर वो प्राइस स्टेबिलिटी को मेनटेन कर पाए तो ये चीज़ भी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इसमें एक चीज़ ये बात की जा रही है, यहाँ पे देख लो साइंस से रिलेटेड ये आया हुआ है, साइंस फॉर ऑल। तो इसमें लीगो इंडियाज मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी कम्युनिटीज इन नीड, ठीक है, सस्टेनेंस फ्रॉम। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है सेटअप करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी के लिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ओके। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2600 करोड़ प्रोजेक्ट है ये, आपको अमाउंट याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वन दैट विल कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टर, एक डिटेक्टर इसमें है, ठीक है, विल कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टर रहेगा, जिसका नाम क्या है, लीगो, फुल फॉर्म इसका देख लेंगे यहाँ से, लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये याद रखनी है। टू बिल्ड इन द इमेज ऑफ ट्विन लीगो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी ऑपरेशनल इन US, देयर डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। अब ये भी देखो यहाँ पे, इन 2016। अब क्या बताया जा रहा है, लॉन्च अ न्यू एरा ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देयर डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, जो ये डिटेक्शन है ग्रेविटेशनल वेव का, वो क्या कर रहा है, 2016 लॉन्च अ न्यू एरा ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। द थर्ड डिटेक्शन इज बींग बिल्ट इन इंडिया एज पार्ट ऑफ लीगो इंडिया। तो जो थर्ड डिटेक्शन है वो बिल्ड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ लीगो इंडिया कोलाबोरेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डिटेक्टर्स कलेक्टिव एबिलिटी के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इन द स्काई, ये चीज़ें हैं। तो ये हमको यहाँ से इतना जानना था, ठीक है, एक तो ये कि न्यू एरा ऑफ एस्ट्रोनॉमी कब स्टार्ट हुआ, एक तो ये हमें जानना है, और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी है ये, और जो कंसिस्ट करती है किसको, एक डिटेक्टर को, जिसका नाम है लीगो, फुल फॉर्म भी हमने देख लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम और देखेंगे। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है, दिस इज़ द सेकेंड अपॉर्चुनिटी लीगो इंडिया हैज़ एम्प्लीफाइड बाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट टू बिल्ड अ फैसिलिटी,
ठीक है, एक फैसिलिटी बिल्ट करके दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, वो कम्युनिटीज को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी फ्रॉम विच इट रिक्वायर सस्टेनेंस एंड नॉलेज, मतलब सस्टेनेबिलिटी एक तरीके से, ठीक है, सस्टेन कर पाएंगे, सस्टेनेंस होगा, नॉलेज इंगेज इन द फूड फेथ एंड कंसर्न अबाउट द एक्सेस टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. तो ये चीज़ें हैं. लास्ट में एक चीज़ कहा गया है, द स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट वॉट ऑल लिगो इंडिया कैन डू फॉर इंडिया. तो मतलब ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट ये है, स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट लिगो इंडिया कैन डू फॉर इंडिया, कि वो इंडिया के लिए क्या कर सकती है. अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सम एडवाइस टू इंडिया ऑन IFA नेगोशिएशन. तो IFA से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे यहाँ पे. इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑल दो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज अ मोरिबंड कंडीशन, देयर इज अ प्रोलिफिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन वन ऑफ रूल मेकिंग इन्वेस्टमेंट. अब इसमें क्या चीज़ें कही जा रही हैं कि इसमें 100 कंट्रीज हैं, ठीक है, पर इंडिया पार्ट नहीं है. यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IFA का पार्ट इंडिया नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें. प्रपोज IFA इज मीन टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने की बात की जा रही है, लीगली बाइंडिंग प्रोविजन जिसका एम होगा फैसिलिटेट करना इन्वेस्टमेंट फ्लोज को, ठीक है. लीगल ऑब्लिगेशंस और ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है. अब एक चीज़ और कही जा रही है, हाँ, दिस एग्रीमेंट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन. तो ये जो एग्रीमेंट है, जो अदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, उनसे क्या है, डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है एग्रीमेंट सच एज, और ये किससे, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है BITs, वो सबसे डिफरेंट है. क्यों, दैट अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग क्लेम अगेंस्ट द होस्ट स्टेट. अब देखो, फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो क्लेम कर सकते हैं होस्ट स्टेट के खिलाफ, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का ट्रीटी ब्रीच होती है, मतलब किसी भी तरीके की ब्रीच मतलब उल्लंघन होता है, ठीक है. तो उल्लंघन करना, किसी भी तरीके से ट्रीटी में उल्लंघन होता है, यानी कि फॉलो नहीं होती हैं चीज़ें, उसको नहीं, जो भी उसके हैं रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो उन लोग असंतुष्ट हैं, नहीं सेटिस्फाई हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट होस्ट स्टेट जिसने होस्ट करा हुआ है, ठीक है. और इसी को क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS, ठीक है. कुछ चीज़ें बताई गई हैं, फियर ऑफ ISDS, इंडिया नॉट अ मेंबर, नॉट अ पार्टी ऑफ IFA नेगोशिएशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, इट इज़ अप्रहेंसन दैट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुड यूज़ फ्यूचर IFA टू ब्रिंग क्लेम अंडर द एग्जिस्टिंग BITs. देखो यहाँ पे अनवर शेख हैं इंडिया के काउंसलर एट WTO. तो इंडिया के काउंसलर जो हैं अनवर शेख WTO में, उन्होंने क्या कहा है, हैज़ फ्लैग दिस कंसर्न, ठीक है. आर्ग्यूबली फॉरेन इन्वेस्टर में यूज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्या करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन को वो चूज़ करेंगे, करेक्ट. प्रोविजन टू BITs टू बोरो एन इम्पोर्ट स्टिपुलेशन फ्रॉम IFA परसीव टू बी मोर एडवांटेजियस. तो ये एडवांटेजियस होगा किसके लिए, देन दोज गिवन इन द अंडरलाइंग बिट, उससे एडवांटेजियस होगा जो कि BIT से, ओके. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. इंडिया शुड नॉट बी अपोज्ड टू ज्वाइनिंग द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एग्रीमेंट नेगोशिएशन फॉर बियर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लेम. तो हमें जो चीज़ें देखनी थी थोड़ी बहुत, वो यहीं तक इम्पॉर्टेंट हमारा था, ठीक है. उसके बाद आप देख लो क्या चीज़ें दी हुई हैं, MFN से रिलेटेड दी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से अंडर IFA क्रिएट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये वो सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की गई है. पर हमको क्या याद रखने की ज़रूरत है, वो हमने देख लिया. थर्ड, मोस्ट न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ अवॉइड अम्ब्रेला क्लॉज, वो अवॉइड कर रहे हैं अम्ब्रेला क्लॉज को, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं. फॉर पॉसिबिलिटी, तो ISDS ट्रिब्यूनल इंटरप्रेटिंग प्रोविजन ब्रॉडली कैन नेवर बी रूल्ड आउट, ठीक है. Thus, India should not be opposed to joining IFA negotiation at WTO due to fear of ISDS claim. जो claim है ISDS का, उसकी वजह से वो नहीं join कर रही है. तो ये चीज़ें हुई. Next आ जाएंगे हम, next देख लेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है. Next आएंगे. देखो, हिमाचल considering legalizing cultivation of cannabis, say CM. तो जो हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखविंदर सिंह सुख, उन्होंने फ्राइडे को कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग लीगलाइजिंग द कल्टिवेशन ऑफ कैनाबिस, कि वो लीगलाइज करने वाले हैं कैनाबिस के कल्टिवेशन को. इट कैनाबिस कल्टिवेशन वुड बी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द स्टेट.
तो ये कहा जा रहा है कि इट वुड प्ले कि वो एक तरीके से जनरेट कर सकती है रेवेन्यू स्टेट के लिए. बिसाइड इट कुड बी बेनिफिशियल टू पेशेंट एज इट हैज़ मेनी मेडिकल प्रॉपर्टीज़. बोल रहे हैं पेशेंट को भी हेल्प करेगा, बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ एज वेल, तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी एक बेनिफिट होगा कह रहे हैं. स्टेट गवर्नमेंट वॉज कॉशन अबाउट द पोटेंशियल इंक्रीज इन द ड्रग यूज एंड हार्ट फॉर्म अ 5-member कमिटी ऑफ MLAs. तो वो कमिटीज़ भी बना रहे हैं इससे रिलेटेड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं लीगलाइज करने के लिए. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट विल गो गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन. मतलब गवर्नमेंट विल, हाँ, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट विल द गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन. तो जो रिपोर्ट बनेगी कमिटी इन्होंने जो बनाई हुई है उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेंगे कि इनको लीगलाइज करना है या नहीं करना है. अब ये देख लो, नेबरिंग उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री. तो ये याद रखो, उत्तराखंड पहला स्टेट बन चुका है जिसने क्या किया है, लीगलाइज किया है कैनबिस कल्टिवेशन को. ठीक है, इन 2017 में ही कर दिया है. कंट्रोल कल्टिवेशन इज बीइंग डन इन सम डिस्ट्रिक्ट. कंट्रोल कल्टिवेशन मतलब कंट्रोल वे में कल्टिवेट करना, कंट्रोल वे में ही वो क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है. कहाँ कहाँ पे, गुजरात में, मध्य प्रदेश में. ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कंट्रोल वे में ही प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो कंट्रोल कल्टिवेशन है कैनबीज का, वो परमिट है सर जो और कंट्रीज़ हैं, जैसे उरुग्वे है उसमें, कनाडा है, US, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम है. ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं. ओके, हमने ये देख लिया. नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे, देखो थोड़ा सा देखना है यहाँ पे. कॉमन मेडिकल डिवाइसेस फेस रिस्क ऑफ मालवेयर अटैक. तो कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं कॉमन जिसमें मालवेयर अटैक का खतरा है, तो उसमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं, देखो ऑक्सीमीटर है, हियरिंग एड है, ग्लूकोमीटर है और पेसमेकर है. कैन बी टर्न इन अ स्पाईवेयर एंड मालवेयर. तो इनको कहा जा रहा है कि ये टर्न किए जा सकते हैं स्पाईवेयर और मालवेयर में. ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं, वार्निंग दैट सच डिवाइसेस कैन इवन लीक योर मेडिकल डेटा. वो मेडिकल डेटा भी लीक कर सकते हैं इफ़ नॉट लेयर्ड विद एडिक्वेट साइबर प्रोटेक्शन. कि अगर उसमें साइबर प्रोटेक्शन नहीं है तो वो ऐसा जो मालवेयर अटैक वगैरह हो सकते हैं और लीक कर सकते हैं मेडिकल डेटा को. इंडस्ट्री एक्सपर्ट आर नाउ सीकिंग अर्जेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू रिकोगनाइज दिस थ्रेट एंड इमीडिएटली पुट इन प्लेस मेजर टू प्लग एनी पॉसिबल ड्रेन. तो मतलब इसके लिए वो अभी वेट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कोई डिसीजन ले. तो ये जान लो जस्ट फॉर द नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे देखो ये कहा हुआ है डेटा बेस ऑन 10,000 जीनोम टू बी रेडी फॉर रिसर्च एक्सेस. तो यहाँ पे कहा जा रहा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक आया हुआ है. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सेंटर बैक्ड इनिशिएटिव है ये, मतलब सेंट्रली इनिशिएटेड है ये. तो इसमें कहा जा रहा है टू सीक्वेंस 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम को. ठीक है, एंड क्रिएट डेटाबेस. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अबाउट 2/3, ठीक है, थ्रू राजेश गोखले, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वी हैव सीक्वेंस क्लोज टू 7,000 जीनोम. तो मतलब ये बता रहे हैं कि कितना किया है, क्या किया है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. इसमें है क्रिएटिंग अ डेटा बेस ऑफ इंडियन जीनोम मींस कि रिसर्चर एनी वेयर कैन लर्न हाउ जेनेटिकली वेरिएंट, जेनेटिक वेरिएंट दैट कैन यूनिक टू इंडियाज पॉपुलेशन ग्रुप एंड यूज द कस्टमाइज ड्रग एंड थेरेपी. तो क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं ड्रग्स और थेरेपीज. इट इज नेसेसरी टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ज़रूरी है, जैसे कि जीनोमिक डेटाबेस सिमिलर टू व्हाट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ क्रिएटेड फॉर इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर टू एक्सपैंड एंड हैव मोर वैल्यूएबल कंपनीज. तो कह रहे हैं कि बायो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो क्या है, सेक्टर टू एक्सपैंड एंड हैव मोर वैल्यूएबल जो कंपनीज एंड स्टार्टअप. तो मतलब स्टार्टअप और कंपनीज और ये सबको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं ABLE के वो कह रहे हैं. तो ये चीज़ें हमें जीनोम प्रोजेक्ट जो है सेंटर ने लाया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कही जा रही है, मिशन टू मैप रूरल इंडियाज कल्चरल एसेट कवर ओवर 1,00,000 विलेज. तो इसमें कहा क्या कहा जा रहा है ये देख लो. हमारी हमेशा वीडियो लंबी हो जाती है पर इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए हमको ये देखना है. ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इन अ बिट टू हार्नेस द यूनिक कल्चर हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंटेड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोर देन 1,00,000 विलेज. तो मोर देन 1,00,000 विलेजेस को लिया गया है इसमें. और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 7-8 कैटेगरीज होंगे और किसके बेसिस पे होंगे ये,
based on whether they are important ecologically, developmentally and scholastically. ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, they produce if they produce famous textile or product and they are connected some historical and mythological event, जैसे कि independence struggle, epic like महाभारता, ये वो, तो जैसे अगर वो महाभारत से related वो जगह हैं, ठीक है, जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह है, और इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में जैसे वो रहा, जैसे जलियांवाला बाग हो गया या कानपुर के कॉन्स्पिरेसी, या बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हिस्टोरिकल में, बहुत सारे स्टेट से रिलेटेड, जैसे झांसी है, यहाँ सब है, तो वो भी ले सकते हैं. अब ये मैं जो बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि कहीं पर लिखा है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. मुझे नहीं पता कि कौन से ये जो विलेजेस हैं वो करने वाले हैं, तो वो जब आएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से विलेजेस हैं. ठीक है, तो और टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट वहाँ सब के लिए भी है. द इकोलॉजिकल कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड बिश्नोई विलेज, जैसे बिश्नोई विलेज नियर जोधपुर राजस्थान है, विच इज़ केस स्टडी फॉर लिविंग इन हारमोनी विथ नेचर, तो वो कैसे नेचर के साथ अच्छे से रह रहे हैं, उसके लिए बिश्नोई विलेज जो है नियर जोधपुर राजस्थान उसको लाया जा सकता है. एंड उत्तराखंड का जो रैनी विलेज है उसकी बात की गई है, और वो फेमस है चिपको मूवमेंट के लिए. हाँ, तो यहाँ से एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ से देखो जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, जैसे कि चिपको मूवमेंट है एक एग्जाम्पल. ठीक है, उत्तराखंड के रानी विलेज से रिलेटेड, रैनी विलेज नॉट रानी, सॉरी, वो तो वो भी कर सकते हैं. देयर आर ऑल्सो विलेज दैट आर डेवलपमेंटल इम्पॉर्टेंस, जैसे कि मोधेरा गुजरात में है. ठीक है, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है इंडिया का, ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट सोलर पावर विलेज कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखना है आपको. चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के रैनी विलेज में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है. सुकेती इन हिमाचल प्रदेश में एक है, एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है. ठीक है, एंड यहाँ पे कश्मीर विलेज का भी बताया गया है, सेवाइट मिस्टिक लालदेड और ऑल्सो क्लासिफाइड फॉर द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनको बोला जा रहा है कि कर सकते हैं. द इंटायर एक्सरसाइज हैज़ बिन कैरीड अंडर किसके? मेरा गाँव मेरा धरोहर. मेरा गाँव मेरा धरोहर के अंदर ये है, मतलब माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम ऑफ नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग NMCM. और NMCM का एम क्या है? कि डेवलप करे एक कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस आर्ट फॉर्म के लिए, आर्टिस्ट के लिए और अदर जो हैं अक्रॉस कंट्री, ठीक, उसके लिए अदर रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री. अब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है IGNAC, उसने कहा है कि सेड इट हैज़ अंडरटेकन कल्चरल एसेट मैपिंग ऑफ दिस विलेज थ्रू फील्ड सर्वे. फील्ड सर्वे करके वो कल्चरल मैपिंग करेंगे. अब यह अब पता चल गया ना कि कल्चरल मैपिंग कौन करेगा, तो याद रखना है IGNAC, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट. अब कई लोग इससे कन्फ्यूज ये हो जाएंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है तो इंदिरा गांधी नेशनल जो सेंटर फॉर आर्ट है वो नहीं कर सकता, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है. ठीक है, डिटेल्ड फील्ड सर्वे कैरीड आउट बाय जॉइंट टीम होगी, कल्चरल मिनिस्ट्री होगी और कॉमन सर्विस सेंटर होंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT. अब देखो इससे भी ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि विलेज का किया जा रहा है तो यहाँ पे कैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, हम अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, पर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही फंसाता है UPSC. टू क्रिएट, ठीक है, द सर्वे डॉक्यूमेंटेड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ विलेज, ये सब भी दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो ये याद रखना. द NGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर प्लान कर रही है कवर करने के लिए ऑल द 6.5 लाख विलेजेस इन दी कंट्री. तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, जो कि पढ़ने की ज़रूरत थी. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. ओके, तो बस ये हमने देख लिया, और अगर हमारा कुछ छूटा होगा तो हम क्या करेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे अपने शॉर्ट नोट में. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.